इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MDH। मेरा भरोसा और पीढ़ियो का विश्वास सिर्फ हेम पुष्पा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बिल्डर्स की बदमाश कंपनी। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बना रखे हैं, फिर भी इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चली है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डर्स का पर्दाफाश कर आपको आगाह करेंगे। साथ ही जब तक जालसाज बिल्डर्स को सलाखों के पीछे भिजवा नहीं लेते, हम आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड ना कर सके। बदमाश बिल्डर आम्रपाली ने पूरा का पूरा नोएडा लूट लिया, 41,000 घर खरीदारों की जेब पर डाका डाला। फिर भी यह बिल्डर दिल्ली में खुलेआम घूम रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में इसके फंड डाइवर्ट की पूरी कथा लिखी है, फिर भी नोएडा अथॉरिटी, सरकार और पुलिस इस मुद्दे पर सन्नाटा मार के बैठी है। होम बायर्स अपने हक के लिए, सिर पर छत के लिए छटपटा रहे हैं। कई साल गुजर गए इंतजार में, घर तो दूर, उन्हें सामने सच्चाई भी नहीं बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनिल शर्मा पर अथॉरिटी मेहरबान रहा, उसके हर प्रोजेक्ट पर प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली का सच, 30,000 घर खरीदारों से धोखा, नोएडा को चंबल से भी ज्यादा लूटने और आम आदमी के जीवन को नरक बना देने वाले तीन सबसे बड़े सफेद पोश डाकू बिल्डर हैं। उनमें नंबर एक पर है आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक अनिल शर्मा, नंबर दो पर जेपी बिल्डर्स और नंबर तीन पर निर्मल सिंह 3C बिल्डर। ये तीनों नए जमाने के डाकू हैं, घोड़े की जगह BMW से चलते हैं। ये बंदूक नहीं चलाते, फिर भी लोगों को लूटते हैं। धोखा देना इनकी नस नस में है, घूसखोरी इनका रसद है, प्राधिकरण इनका रक्षक। अनिल शर्मा पर 13-13 FIR दर्ज होने के बाद भी ना तो नोएडा अथॉरिटी ना ही नोएडा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यूपी सरकार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। बिल्डर की बदमाश कंपनी में आज डकैत नंबर वन अनिल शर्मा की पोल खुलेगी। ये वो लुटेरा है जिसने 41,000 घर खरीदारों के साथ फ्रॉड किया है, अथॉरिटी के कंधे पर बंदूक रखकर निवेशकों का शिकार किया। आम्रपाली का पूरा चिट्ठा हम आपके सामने एक एक कर रखेंगे कि कैसे इसने फ्रॉड किया, कैसे निवेशकों को धोखे में रखा और कैसे इसने फंड डाइवर्ट किया और कैसे प्राधिकरण के साथ मिलकर सरकार को अंधेरे में रखा। हम नहीं कहेंगे, जो कहेगा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी खुद अपने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए रिपोर्ट में पहले ही कह चुका है। आम्रपाली का फ्रॉड नंबर एक, निवेशकों की रकम को किया डाइवर्ट। आम्रपाली बिल्डर ने घर खरीदारों से रुपए लेकर दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए। अनिल शर्मा के महाफ्रॉड और भारत समाचार की खबर पर अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है। भारत समाचार लगातार ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से आम्रपाली की करतूत को बताता आ रहा है, लेकिन तब यही अथॉरिटी चुप्पी मार कर बैठी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो सच्चाई मान ली। रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने साफ स्वीकार किया कि आम्रपाली बिल्डर ने फंड को डाइवर्ट किया है। आम्रपाली के सेंचुरियन पार्क में 8,650 फ्लैट हैं। अथॉरिटी के आंकड़ों के हिसाब से इस संपत्ति की कीमत 2,809 करोड़ रुपए ठहरती है। अनिल शर्मा ने सेंचुरियन पार्क के 5,200 फ्लैट बेच दिए हैं। आम्रपाली बिल्डर ने प्रोजेक्ट से 1,193 करोड़ रुपए और 457 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जबकि बचे हुए यूनिट के 1,159 करोड़ रुपए शेष हैं। ये तो अच्छा है कि अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट साझा की है। जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि अनिल शर्मा मनमानी करता रहा, निवेशकों के फंड का दुरुपयोग कर रहा था, तो प्राधिकरण किस तरह उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था? अथॉरिटी ने आम्रपाली पर एक्शन क्यों नहीं लिया? प्राधिकरण कोर्ट के सवालों का कटघरे में क्या जवाब देगा? आम्रपाली की रग रग में बदमाशी थी, वो आया ही लूटने था। जिस अथॉरिटी को लूटने से बचाना था, उसने क्या हजम करके उसके पाप को छिपा लिया? अगर उसकी मंशा पाक थी तो फिर उसने एक्शन लेने में देरी क्यों की? अब भी अथॉरिटी पर FIR क्यों नहीं कराई?
हमें एक क्लियर मैसेज आ रहा है या अथॉरिटी की तरफ से, ये पूरी लापरवाही है और अथॉरिटी अम्रपाली के साथ साठगांठ कर चुका है और ये मिलीभगत है। अगर फंड को ट्रांसफर किया गया है तो आज तक अथॉरिटी ने एफआईआर क्यों नहीं कराया और बिल्डर पे उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये इसको हम लोग एक स्कैम की तरह देख रहे हैं जिसमें बिल्डर और अथॉरिटी के अधिकारी पाली पर सीरियस डाउट था तो फिर क्यों उसने दोबारा 44,270 वर्ग मीटर जमीन थमा दी। पहले अथॉरिटी ने आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेक जोन 4 को 2,28,640 वर्ग मीटर जमीन लीज पर दी थी, जिसने 28 दिसंबर 2010 कंसोर्टियम की रिक्वेस्ट पर 2,72,916 वर्ग मीटर बढ़ी हुई जमीन की लीज डीड कर दी गई। ये मेहरबानी अथॉरिटी की ओर से किस लिए की गई? 6,626 फ्लैट से बढ़ाकर उसे 8,650 फ्लैट बनाने की परमिशन क्यों दी गई? फ्लैट खरीदाव से पहले योगी जी और मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन जब हम लोग कोर्ट में गए और आज के डेट में अगर आप सरकार से पूछिए कि घर खरीदारों के वादों का क्या हुआ तो गोल मटोल बातें घुमाकर केवल ये कहा जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर आपने वादे क्यों किया? ये तो खोखले वादे हो गए और आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति बनी हुई है घर खरीदारों के बीच में, खासकर सरकार को लेकर और अथॉरिटी के रवैये को लेकर। आम्रपाली का फ्रॉड नंबर 3, आम्रपाली की चोरी और सीनाजोरी। आम्रपाली अथॉरिटी का 416 करोड़ रुपए हड़प गया। अनिल शर्मा ने जमीन का पैसा अथॉरिटी में जमा नहीं कराया। धूर्त बिल्डर को बचाने के लिए आम्रपाली के खिलाफ अथॉरिटी की कार्रवाई सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। अरबों रुपए हजम करने वाले बिल्डर के खिलाफ अथॉरिटी सिर्फ लेटरबाजी करती रही। इधर आम्रपाली बिल्डर चैन से निवेशकों की जेब और अथॉरिटी के खजाने को साफ करता रहा। अनिल शर्मा चोरी करता रहा और अथॉरिटी सीनाजोरी करती रही। हुआ कुछ नहीं, अथॉरिटी भी जानती थी कि एक दिन उसे हिसाब देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली और अथॉरिटी के पाप का पुलिंदा जमा हो चुका है। आम्रपाली बिल्डर के सेंचुरियन पार्क के अलावा ड्रीम वैली, लीजर पार्क, लीजर वैली और स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रोजेक्ट है, लेकिन किसी भी स्टेज पर आम्रपाली बिल्डर ने कंप्लीशन प्लान सबमिट नहीं किया। आम्रपाली बिल्डर की मंशा ही नहीं थी कि वो निवेशकों को घर दे। फिर वही सवाल उठता है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्यों शांत बैठी रही? आम्रपाली से कौन सी रिश्तेदारी निभाती रही? थ्री मिनिस्ट्रियल कमेटी हुई थी, उसमें सबसे पहले हमने आम्रपाली लेजर वैली का पॉइंट उठाया। और इस प्रोजेक्ट में अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे ग्राउंड में जाके 90% स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें अगर बिल्डर की इंटेंशन ठीक हो और बिल्डर कुछ कोशिश करे कि इसमें करीब 80-90 करोड़ रुपए का खर्चा बचा हुआ है और कॉमन एमिनिटीज दे दे तो अभी भी कम से कम ये रहने लायक हो जाएगा। जो प्रॉमिस किए गए थे वो प्रॉमिस तो नहीं पूरे हो पाएंगे, बट कम से कम इस लायक हो जाएगा कि जो कॉमन एमिनिटीज हैं, सीवेज की है, पानी बिजली अभी तक एडहॉक है। पिछले 3 साल से यहाँ फैमिलीज रह रही हैं लेकिन अभी भी ना पानी की प्रॉपर अरेंजमेंट है, ना बिजली का कोई अरेंजमेंट है, बिजली बार बार यहाँ कट जाती है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। आप आम्रपाली के पाप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन इसकी फ्रॉड कथा का अंत नहीं होगा। आम्रपाली निवेशकों की जेब पर डाका डालता रहा और प्राधिकरण से लेकर सरकार तक सब नतमस्तक होकर तमाशा देखते रहे। किसी भी संस्था ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो घर खरीदार आज सड़कों पर ना होते, आम्रपाली के खिलाफ निवेशक सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ की गुहार न लगा रहे होते और अनिल शर्मा सरीखे आर्थिक क्रिमिनल दिल्ली नोएडा में खुलेआम घूम न रहे होते। असल जगह इसकी जेल है। ये जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक होम बायर्स की समस्या पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। बेईमान अनिल शर्मा की सारी काली करतूत का चिट्ठा अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो या फिर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका पूरे होने के लेकर रिकॉर्ड, क्योंकि 27 फरवरी को कोर्ट ने आदेश किया था कि 7 मार्च तक ये सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पे कल फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करके सारे दस्तावेज देखेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर देगा। जहां एक तरफ ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि इस बेईमान बिल्डर ने हज़ारों करोड़ रुपये डाइवर्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कंप्लीशन दिया जा चुका है उसके बावजूद वहाँ पर काम नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा जो है राहत महसूस कर रहे हैं बायर्स, जिनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण सरकार से तो नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। तो देखना होगा कि आखिर कल कोर्ट क्या फैसला देता है और इस बेईमान बिल्डर पर कैसे लगाम लग पाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा।
और आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अथॉरिटी ने आम्रपाली का पूरा बही खाता सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में घर खरीदार अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है, कैसे उनको सुविधाओं को दिखाकर उनके साथ छलावा किया गया, फिर उसी जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया गया। आम्रपाली का सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा चिट्ठा, मंगलवार को होगी सुनवाई, अथॉरिटी ने सौंपी निरीक्षण रिपोर्ट। बिल्डर्स बायर्स और अथॉरिटी के बीच हुई बैठक के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी। रिपोर्ट में तमाम खामियां सामने आई हैं। हमने एक एक सच को उजागर किया है। अनिल शर्मा ने होम बायर्स को घर नहीं धोखा दिया है, जिसे दिया वो आधे अधूरे फ्लैट में रहने को मजबूर है। इस बार घर खरीदार कोर्ट में सिलसिलेवार पोजीशन की डिमांड करेंगे। सबसे पहले जिन प्रोजेक्ट के ढांचे खड़े हैं, निवेशक OCCC, लिफ्ट, बिजली पानी सुविधाओं की कमी होते हुए भी रह रहे हैं, ऐसे बायर्स कोर्ट के जरिए सहूलियत पाना चाहेंगे। थोड़े बहुत पैसे लगाकर उनके फ्लैट रहने लायक हो जाएंगे। फिलहाल वो खंडर नुमा फ्लैट विला में रहने को मजबूर हैं। पर फोर्स फिर पिटीशंस गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल हमारी हियरिंग है, उसमें भी हमने यही मुद्दा उठाया है कि जो आम्रपाली लेजर वैली है उसको कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में लाया जाए, जिससे कि कम से कम ये प्रोजेक्ट पूरा हो और बिल्डर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से एक ये पॉजिटिव मैसेज जाए कि कम से कम जो प्रोजेक्ट पूरे होने के कगार पर हैं वो तो कम से कम पूरे किए जाएं। आम्रपाली बिल्डर्स ने निवेशकों से बिना परमिशन के लैंड यूज चेंज कर दिया। जहां स्कूल दिखाया गया वहां प्लांट कटवा दिया, जहां पुलिस चौकी, नर्सिंग होम्स दिखाया गया। जिन सुविधाओं को देखकर निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी लुटेरे बिल्डर अनिल शर्मा को सौंप दी, उनके बिना परामर्श के ही स्कूल, पुलिस चौकी, नर्सिंग होम्स के लैंड यूज बदल दिए गए, जबकि ऐसा करना अवैध है। लीजर वैली में ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार आम्रपाली का सामना देश की रक्षा करने वाले कर्नल से हुआ, जिसके सामने दुश्मन सरेंडर कर देता है। इस बार इनकी लड़ाई सरहद पर नहीं, आम्रपाली के अत्याचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भीतर है, जहां लीजर वैली का मुद्दा भी उठेगा। बिल्डर ने एक अंडर हैंड कनाइवेंस करके प्राधिकरण से 2013 में बिना बायर्स की नॉलेज के उन्होंने जो लेआउट है और फैसिलिटीज चेंज कर ली है। यहां तक कि इस छोटे से प्रोजेक्ट में जहां बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहां कहीं पुलिस चौकी दिखा दी गई है, कई नर्सरी स्कूल्स दिखा दिए गए हैं, तो बिल्डर ने जो रेजिडेंट्स की एमिनिटीज को छोड़ के ध्यान फोकस कर दिया कमर्शियल की तरफ। तो हमें तो लगता है ये मिलीभगत है अथॉरिटी की और बिल्डर की, एक नेक्सस है, इसको तोड़ने की जरूरत है और हमने अपना ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया है। अनिल शर्मा सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा। इस बार उसके सारे तिगड़म फेल हो जाएंगे, क्योंकि आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट की हकीकत सुप्रीम कोर्ट जान चुका है। जहां एक तरफ ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि इस बेईमान बिल्डर ने हजारों करोड़ रुपए डाइवर्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कंप्लीशन दिया जा चुका है उसके बावजूद वहां पर काम नहीं हुआ। बहुत ज्यादा जो है राहत महसूस कर रहे हैं बायर्स, जिनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण सरकार से तो नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। तो देखना होगा कि आखिर कल कोर्ट क्या फैसला देता है और इस बेईमान बिल्डर पर कैसे लगाम लग पाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनिल शर्मा जैसा धोखेबाज और मक्कार दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस जालसाज ने करीब 30,000 निवेशकों का पैसा हजम कर दिया है और अब पूरे मामले को कोर्ट में उलझा कर रख दिया है। धोखेबाज का एक और धोखा, बायर्स का 50,000 करोड़ फंसा। कौन कर रहा है अनिल शर्मा की मदद? बायर्स रो रहे हैं, वो मक्कारी कर रहा है। आम्रपाली के निवेशक अनिल शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, चिल्लाते रहे, इंसाफ की गुहार करते रहे, लेकिन उन्हें अगर कुछ मिला है तो वो है तारीख। हर तारीख पर उन्हें तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। इस दुनिया में आपने बड़े से बड़े मक्कार और धोखेबाज देखे होंगे, लेकिन अनिल शर्मा जैसा लुटेरा, इसके जैसा जालसाज दूसरा कोई है ही नहीं। 30,000 बायर्स का पैसा डकार चुका ये मक्कार उनका करीब 50,000 करोड़ रुपया हजम कर गया। बायर्स ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा दी। सोचा था कि अपना आशियाना होगा, उन्हें क्या पता था कि वो जिसे पैसा दे रहे हैं वो ऐसा मक्कार निकलेगा कि इनका घर तो दूर की बात, इनका पैसा ही डकार लेगा। असल में आम्रपाली को अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए की जरूरत है, यानी इतने पैसे जब होंगे तब ये प्रोजेक्ट पूरे हो सकेंगे। मतलब ना नॉर्मल तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। अभी इन्होंने कोर्ट में ये हलफनामा दिया है 3500 करोड़, इससे लगता है कि मामला और जटिल हो गया है और भी बायर्स के लिए प्रॉब्लम्स होती रहेगी। अभी तक तो ये कह रहे थे कि जी कोई को डेवलपर आ जाए या कोई किसी को हम दे या सुप्रीम कोर्ट में, कैसे आपको पता है कि केस लामबंद है, तो ये इससे प्रॉब्लम ऐसी होती रहेगी कि लगता है डिले ही डिले होता जा रहा है। इन बायर्स ने लोन लेकर ये रकम इस चोर को दी थी। इन बायर्स को सिर्फ तारीख मिल रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और सिर्फ धोखा मिल रहा है। असल में अनिल शर्मा ने पूरा मामला कानूनी दांवपेच में उलझा दिया है। अब यूपी सरकार पूरे मामले में कोर्ट का हवाला दे रही है और खुद पल्ला झाड़ रही है। निवेशक सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर थक गए, लेकिन इस मक्कार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें ये साफ है कि अनिल शर्मा ने पैसा डाइवर्ट किया है, इसके पूरे सबूत हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये प्राधिकरण को देखना चाहिए, प्राधिकरण उस पैसे को कैसे लाएंगे। अगर वो डाइवर्ट किया है तो प्राधिकरण अब तक चुप क्यों बैठे हुए हैं, किस कारण के लिए? क्योंकि देखिए बाकी प्रोजेक्ट का भी, बाकी ग्रुप का भी ऑडिट हुआ है, आम्रपाली छोड़ के उन लोगों का भी डाइवर्शन हुआ है, तो उन लोगों के क्षेत्र में पैसा वापस ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। एक्चुअली बायर्स को, होम बायर्स को ये भी पता नहीं है कि ऑडिट में जो रिपोर्ट आया है वो कितना सच है। प्राधिकरण अनिल शर्मा के फेंके हुए टुकड़ों की एहसान मंद है। जो लोग कल तक इस लुटेरे को जेल भेजने और भिजवाने के दावे करते थे वो बदल गए, अब सब पल्ला झाड़ रहे हैं और निवेशक पिस रहे हैं, उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा। दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। आम्रपाली के बायर्स जहां कल खड़े हुए थे वो आज भी अपने आप को वहीं पर खड़ा हुआ देख रहे हैं। बायर्स एनसीएलटी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और अब इस बेईमान और धूर्त बिल्डर ने 3500 करोड़ रुपए की और जरूरत बता दी है कि हाँ उसके प्रोजेक्ट पूरे करने में 3500 करोड़ रुपए और लगेंगे। बायर से ये सारा पैसा वसूल चुका है, अपना सारा पैसा उसने डाइवर्ट कर दिया, अब ये पैसा कहाँ से लाएगा? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला और भी आगे जाने वाला है। बायर्स के साथ सरकार खड़ी हुई थी, सरकार ने भी अब पल्ला झाड़ लिया है बायर्स से, क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बायर्स उस दोराहे पे खड़े हुए हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इसने अपनी बात रखी है कि 3500 करोड़ रुपए की इसको और ज़रूरत है, तो ये पैसा लाएगा कहाँ से? बायर्स से तो सारा पैसा ये वसूल चुका है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे ये पैसा लाएगा और कब इन परेशान बायर्स को उनका आशियाना मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और लखनऊ में एमसीटी बिल्डर को लूट की छूट मिली हुई है। इस बिल्डर ने दूसरे प्रोजेक्ट को भी अपना बताकर बेच दिया और जब निवेशकों ने रकम जमा कर रजिस्ट्री कराने की डिमांड की तो उन्हें अपने दफ्तर के चक्कर कटवाने लगा। देखिए किस तरह कई परिवार की गाड़ी कमाई डकार गया ये हेमसिटी, और पुलिस, प्राधिकरण और प्रशासन चुप्पी मार कर बैठे। साइट पर बड़ा गेट, होल्डिंग बैनर, पोस्टर और तामझाम दिखाकर हेमसिटी प्राइवेट लिमिटेड निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। प्राधिकरण और पुलिस बिल्डर पर मेहरबान है। लूटे गए निवेशक रसीद लेकर हिमसिटी बिल्डर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और बदमाश बिल्डर रियाज अहमद मौज काट रहा है। उस पर ना तो प्राधिकरण कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस कोई एक्शन ले रही है।
हिम सिटी बिल्डर इसी जमीन के जरिए कई परिवारों को लूट चुका है। लकी ड्रॉ का लालच दिखाकर हिम सिटी ने निवेशकों के साथ ठगी की है। पूरी रकम लेकर भी खरीदारों को रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। कई लोग इसके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके हैं। उनके लिए लकी ड्रॉ बैड लक बन चुका है। प्लॉट खरीदार किश्तों में 6-6 लाख रुपए देकर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और बदमाश बिल्डर रियाज अहमद चूमंतर हो चुका है। निवेशकों ने अपनी रकम और जमीन वापस पाने के लिए थाने में तहरीर दी है। मामला ये है कि हम लोगों को हिम सिटी कंपनी, जिसके मालिक है रियाज अहमद, उन्होंने एक ऑफर निकाला था, तो वो पेपर में ऐड दे करके हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोग कंपनी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये स्कीम पे ज़मीन मिलेगी, इतने स्क्वायर फुट की जगह है, ये इतने रेट में आपको मिल जाएगी और इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिलेगा। जितने दिन में आप दे दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट क्लियर करने के बाद आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। सारा पैसा हम लोगों ने पेमेंट चेक के माध्यम से, सब चीज़ के माध्यम से हम लोगों ने सब क्लियर कराया। जब पेमेंट सारा पूरा हो गया, अब जब उसके बाद रजिस्ट्री और कब्जे की बात आ रही है तो ज़मीन का वो टालम टोल कर रहे हैं। किसी हाल में 4 साल से वो हम लोगों को घुमा रहे हैं। हिम सिटी के प्रोपराइटर रियाज अहमद ने धोखे के अंदर धोखे की दुकान खोली है। HMS सिटी की जमीन को 2013 में रियाज अहमद अपनी बताकर लोगों को बेच चुका है। अब HMS सिटी उसी जमीन की सौदेबाजी करने जा रही है। खूब लूट मची है। पुलिस ने तहरीर तो दर्ज कर ली है, लेकिन जांच करके उसे सलाखों तक भिजवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। राजस्व विभाग की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, उसे निवेशकों की गुहार भी सुनाई नहीं देती। क्या वाकई राजस्व विभाग बहरा हो चुका है या फिर वो निवेशकों को सुनना ही नहीं चाहता? इधर प्राधिकरण को जब तक शिकायत नहीं मिल जाती तब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। हिम सिटी को सबने लूटने का लाइसेंस दे रखा है। इसकी इतनी हिमाकत कि उसने इस निवेशक को रसीद थमाकर लूट लिया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि मक्कार बिल्डर अब तक आजाद घूम रहा है? 2013 में हमने एक प्लॉट लिया था रियाज अहमद के जरिए से, खजूर गांव देवा रोड पे, और इससे अब उसका एक साल में पूरी पेमेंट हमने कर दी। अब 5 साल होने को आ रहे हैं, हम लोग रजिस्ट्री के लिए कह रहे हैं, वो टालम टोल कर रजिस्ट्री नहीं कर रहे, किसी हाल अब बहाना कर देते हैं। तो कौन सी योजना में आपने लिया था? हिम सिटी में 2013 में इन निवेशकों ने यह सोचकर प्लॉट लिया कि जमीन का सौदा खरा होता है, लेकिन हिमसिटी जैसे अजगर अपनी दुकान का शटर खोले बैठे हैं। जैसे ही कोई इनकी रेंज में आया, उसे ये धूर्त बिल्डर निगलने में देर नहीं करते। जब तक निवेशक को ठगे जाने का एहसास होता है, तब तक काम तमाम हो चुका होता है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में दिख रही है। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है। राजधानी में बिल्डरों के हौसले बुलंद है। सरकार की उम्मीदों पे पलीता लगा रहे हैं ये राजधानी के बिल्डर। ताज़ा मामला सामने आया हिम सिटी बिल्डर का। सारा पैसा जमा करने के बावजूद भी रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। निवेशक थक हार के बाजार खाला थाने पहुंचते हैं, तहरीर दी जाती है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब एक्शन लेगी और निवेशकों को आखिर न्याय कब मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ में अंकुश जायसवाल, भारत समाचार, लखनऊ।